आपका हमारे चैनल न्यूज पोस्ट में। आज हम खड़े हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा क्षेत्र में और यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानेंगे क्या उनकी राय 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव जो कि 12 मई को दिल्ली में वोटिंग डाली जाएगी और यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला है मनोज तिवारी और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आमने सामने एक मुकाबला चल रहा है। तो पूछते हैं यहाँ की जनता से कि यहाँ का सांसद कौन बनेगा। तो सर आप बताना चाहेंगे यहाँ से किसके चांस ज़्यादा हैं जीतने के? यहाँ से ज़्यादा हैं जी दिल्ली से। जी हाँ, आपके भजनपुरा क्षेत्र से तो देखो कांग्रेस का ज़्यादा है। तो सर रीज़न? क्योंकि यहाँ पर हमने भी कांग्रेस को आने वाली तो 12 मई आ रही है, सबके मुँह जहाँ दिल्ली जहाँ जगह जगह हमारा काम है जाने का, तो जहाँ जहाँ चर्चा देखते हैं तो कांग्रेस की ज़्यादा देखते हैं। जी, क्योंकि सर वो मुख्यमंत्री रहेंगे ना 15 साल तक, एक रीज़न तो यही है दिल्ली में काम करा है शीला दीक्षित ने। सर आम आदमी पार्टी की भी तो काफ़ी शोर शराब है यहाँ पर। अब शोर शराब है तो जब दो पहलवान अखाड़े में उतरते हैं तो जीतने की तो हर कोशिश करते हैं कि हम जीते। तो आपका वोट कांग्रेस को जाएगा इस बार सर? हाँ जी। सर नाम आपका? हमारा जाकिर नाम है जी। तो जाकिर भाई का कहना है कि यहाँ से उम्मीद कांग्रेस की है। जी हाँ, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जिनके चांस ज़्यादा हैं बीजेपी यहाँ से जीतने के। आइए मालूम करते हैं और भाई से। तो भाई आपके वोट 12 मई को जानते हैं वोट होने वाले हैं दिल्ली के अंदर, तो आपके वोट किसको जाने का चांस है? केजरीवाल जी। केजरीवाल क्यों? काम करते हैं अच्छा। वो तो पूर्ण राज्य की डिमांड कर रहे हैं। नहीं नहीं, केजरीवाल को वोट जाएगा हमारा। आपको केजरीवाल को जाएगा? लास्ट टाइम आपने किसान वोट डाला था? केजरीवाल। नाम आपका भाई? जावेद। तो जावेद भाई का नाम कहना है कि इस बार उनका वोट केजरीवाल को जाएगा क्योंकि केजरीवाल ने काफ़ी काम करा है और यहाँ की जनता को केजरीवाल के सपोर्ट काफ़ी है। पूछते हैं भाई से। सर आपका नाम? मेरा नाम तो जीतू भाई, मनिया सुरवे भी है। अच्छा, मनिया सुरवे जी। सर मीडिया वाले उठा ले जाए जी। भजनपुरा क्षेत्र में सर यहाँ पर किसकी हवादार चल रही है, लहर किसकी चल रही है? एक ही भाई, अपना मोदी भाई। मोदी जी की, यानी यहाँ से मनोज तिवारी जी। हाँ बस। तो यहाँ पे आप वोट डालेंगे मनोज तिवारी मोदी जी को? अरे खानदानी मनोज तिवारी पे डालेगा वोट यार। अच्छा जी। हाँ यार जाएगा। तो सर 5 साल सांसद रहे हैं यहाँ पर मनोज तिवारी जी, तो उन्होंने कुछ काम करा? काम वाम नहीं चाहिए, बीजेपी चाहिए। मैं बीजेपी चाहिए सर आपको? काम करें, रोज काम तो हमारे गाड़ी चलाते, पैसे देते हो जी। अच्छा। तो सर का कहना है कि काम हो या ना हो पर क्या कहते हैं जी, तो उनका कहना है कि जी हाँ मनोज तिवारी को वोट जाएगा यानी कि बीजेपी को। और पूछते भाई जी सर, शीला दीक्षित जीत रही है सर? रीजन? रीजन शीला जीतेगी क्योंकि 15 साल राज करा दिल्ली में, इस वजह से बहुत बढ़िया। हाँ, काम भी करा है। तो सर मोदी जी की लहर बहुत है। सिग्नेचर ब्रिज शीला दीक्षित ने ही बनवाया है। लहर से क्या होता है, काम से होता है ना, जो काम से करा है। किसी के मुंह पे सब मोदी जी छा रहा है, नाम से क्या होता है या मुंह पे सब होने से? हाँ वो बात सही है, जो काम होगा वो दिखाई जाएगा ना जी। जो काम कांग्रेस ने करा वो बीजेपी ने करा, कैसा काम जी? तो 15 साल जो कांग्रेस ने काम करा है तो आपका वोट कांग्रेस को जाएगा सर इस बार इंशाल्लाह जी। नाम सर आपका? मोहसिन शेख। मोहसिन शेख जी का कहना है कि इस बार कांग्रेस को वोट है। वैसे टक्कर तो काफ़ी तगड़ी है सर यहाँ से, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस शीला दीक्षित खड़ी है सामने यहाँ पर, तो टक्कर तो बहुत तगड़ी है यहाँ पर सर। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर लेकिन कांग्रेस के ज़्यादा वोट है। तो सर ये तो कांग्रेस ने अपने वादा करा है 72,000 सालाना देने का, तो आप उसमें बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं वो मिलेंगे, अगर कांग्रेस आएगी तो पक्का मिलेंगे वो। पक्का जी, ऐसे वादे सर कई सारे नेताओं ने करे हैं सर। नहीं नहीं, कांग्रेस वादा झूठा नहीं करती। मोदी ने 15 लाख का वादा किया। मोदी ने 15 लाख खाते में आएंगे वो मिले मोदी ने, लेकिन 72,000 जरूर मिलेंगे। वादे सब करते हैं पूरा। 72,000 रुपये हर साल सालाना? हर सालाना 72,000 रुपये सालाना जी। अच्छा, वादे सब करते हैं भाई, चुनाव के टाइम पे पूरे कोई नहीं करता। 15 लाख रुपए मोदी जी ने बोले थे वो मिल गए, ले लो दोबारा आएगा दोबारा। तो सर का कहना है कि वादे तो हर एक राजनेता करता है पर पूरे कोई नहीं करता है।